गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन उसमें देखने वाले हैं सुप्राफेशियल कंडीशन में शिफ्ट होगा और इंट्राफेशियल में। तो इसकी हेडिंग हो जाएगी सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। और फिर इसमें नंबर वन होगा हमारा 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों में होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल कंडीशन में। तो पहले हेडिंग होगी हमारी 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर आएगा पहला थर्मल कंडीशन, नंबर एक इन थर्मल कंडीशन। तो 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो हम एग्जांपल पहले देख चुके हैं वही हम लेंगे यहाँ पर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसके पास कोई ग्रुप अगर जी लगा है तो इसको यहाँ से माइग्रेट होने के लिए इसके पास ये दो इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कार्बन इस तरह से ले लें। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। अब ये माइनस अपना या माइनस ये इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड इस तरह से बढ़ेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये जे डी जो है यहाँ से जी ग्रुप जो कोई हमारा ग्रुप है वो फिर यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा CH2, ये इसके साथ ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2 और इसके साथ ये लग जाएगा जी। तो यहाँ तक ये सब हमने देख लिया है। तो अब हमें यहाँ पर करना है सुपरफेशियल और इंट्राफेशियल हाइड्रोजन की जो शिफ्ट होगी वो दो तरह से हो सकती है, सुपरफेशियल और इंट्राफेशियल। तो अब इसको करने के लिए हमें इस बीच वाले की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसमें अब देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि हम अभी तक करते आए हुए हैं FMO में, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पाई इलेक्ट्रॉन और वेव फंक्शन। तो इसमें हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। तो कार्बन कितने हो गए 3। और अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ना कहकर हम कहें कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दो नॉन बॉन्डिंग वाला यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम काउंट करेंगे और जो सिग्मा बॉन्ड वाला है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड वाले को इलेक्ट्रॉन को हम नहीं, सिर्फ यहाँ पर पाई बॉन्ड वाला और ये जो लोन पेयर वाला इसको हम काउंट करेंगे। तो पाई बॉन्ड एक है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 4। तो वेव फंक्शन हमारे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतने नंबर ऑफ वेव फंक्शन भी होते हैं। वेव फंक्शन थ्री। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर Psi1, Psi2, Psi3। ये Psi1 होगा हमारा बॉन्डिंग, ये होगा नॉन बॉन्डिंग, ये होगा एंटी बॉन्डिंग। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर ड्रा करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करें, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर फिल होगा इस तरह से, 2 इसमें और 2 इसमें। अब इसमें अभी ये चल रहा है थर्मल कंडीशन का, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा होमो, ये हो गया होमो। अब इसका हम अगर जो हम पाई ऑर्बिटल बनाते हुए आए हैं उसको हम बनाएं, ये हमारा 3 बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 3 है। तो इस कार्बन पर एक होगा और दूसरा इस पे 30 है, तीनों कार्बन पर इस तरह से हैं हमारे। अब ये वे फंक्शन जो है वो इवन है तो यहाँ पर पहले वाले में और लास्ट वाले में अपोजिट साइन होगा। और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है तो बीच में एक नोड आ जाएगा तो इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बीच में एक नोड रहेगा तो ये नॉन बॉन्डिंग है तो इसके बीच वाला नहीं रहेगा। तो इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट वाले में यहाँ से हाइड्रोजन जो शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से पहले वाले में शिफ्ट हो रहा है, पहले वाले से निकल रहा है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन ही दिखाएं तो अच्छा है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा रहे हैं ना। तो ये हाइड्रोजन पहले कार्बन से 1, 2, 3 और ये 1, पहले कार्बन से निकलकर तीसरे कार्बन पर लग रहा है तो ये हो गई 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक हमारी रीअरेंजमेंट। और पहले से और लास्ट वाले में हो रहा है तो यहाँ पर पहले की ज़रूरत है हमें और लास्ट वाले की ज़रूरत है। तो यहाँ से H प्लस हमारा, ये H प्लस हमारा यहाँ से निकल रहा है, अब यहाँ से निकल रहा है फर्स्ट वाले से और जाकर जुड़ रहा है लास्ट वाले से। अब यहाँ से ये इसके जुड़ने का दो तरीका है, एक सुपरफेशियल और एक इंट्राफेशियल। तो पहला मैं इधर बना दूँ, ये हो जाए सुपरफेशियल
तो दूसरा क्या है एंट्राफेशियल, तो सुपरफेशियल में क्या होगा। अब मैं इस एच प्लस को सिर्फ प्लस दिखाऊं, पूरा प्लस दिखाऊं यहां पर, तो इसमें है प्लस, इसमें है माइनस, इसमें है प्लस, इसमें है माइनस। तो अगर मैं इसको पूरा प्लस यहाँ पर सिर्फ ऐसे दिखाऊं, तो यहाँ से ये बॉन्डिंग इसकी थी, ये पहले वाले कार्बन थे, अब ये जाकर जुड़ने वाला है ये लास्ट वाले कार्बन से। तो यहाँ पर तो ये प्लस प्लस से ये बॉन्डिंग थी, अब ये प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियल ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, तो दोनों बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी ये जाकर हमारी सिमेट्री, इसकी ज्योमेट्री जो होगा अलाउड होगी। जैसे कि अब इसमें प्लस से प्लस और इधर प्लस से माइनस, तो इसमें सिमेट्री जो होगी इसकी, सिमेट्री यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ सिमेट्री फॉरबिडन, इसकी सिमेट्री फॉरबिडन होगी। और ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री सुपरफेशियल ही अलाउड होती है, तो ज्योमेट्री अलाउड है लेकिन सिमेट्री फॉरबिडन है, तब ये क्या होगा हमारा थर्मली फॉरबिडन हो जाएगा। सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों हमारी अगर अलाउड होगी तब हमारी थर्मली वो रिएक्शन अलाउड होगी। तो इसमें एक सिमेट्री फॉरबिडन है, ये ज्योमेट्री अलाउड है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी थर्मली, थर्मली फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपरफेशियल। अब अंट्राफेशियल में क्या होगा, इस प्लस वाले को हमने ऊपर ऊपर दिखाया था सुपरफेशियल, इसको प्लस वाले को बीच में दिखाएंगे, दोनों ऊपर वाला ओवरलैप कर रहा था, अब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला ओवरलैप करेगा। तो इस प्लस वाले को हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो, अब यहाँ देखिए ये प्लस इससे और ये प्लस इससे, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, तो इसकी सिमेट्री जो होगी वो प्लस से प्लस फिर ये प्लस से प्लस, ये सिमेट्री यहाँ पर अलाउड होगी, सिमेट्री अलाउड। लेकिन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो सुपरफेशियल होती है, अब इसमें ज्योमेट्री ये नहीं कह सकते कि ये फॉरबिडन है, ज्योमेट्री इसकी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ये है ज्योमेट्री डिफिकल्ट। तो जब इसका सिलेक्शन रूल लिखेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, ये थर्मली फॉरबिडन हो जाएगा, सुपरफेशियल थर्मली फॉरबिडन, और एंट्राफेशियल थर्मल कंडीशन में ये अलाउड होगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री तो अलाउड है लेकिन ज्योमेट्री जो इसकी डिफिकल्ट है वो फॉरबिडन नहीं कह सकते, यहाँ पर ये फोटोकेमिकली अलाउड इसे लिखते हैं, फोटोकेमिकली अलाउड। थर्मली अलाउड, तो ये हो गया अभी थर्मल कंडीशन में। तो अब हम देखते हैं कि ये फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, चलो इसको फोटोकेमिकल कंडीशन में करते हैं, यहाँ से इस थर्मल को हटा कर यहाँ पर कर देते हैं फोटोकेमिकल, और क्या क्या हटेगा यहाँ पर हटने वाला ये, चलो पहले तो नाटा दें, फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी हेडिंग फोटोकेमिकल, ये सब कुछ वैसे ही होगा, कार्बन और वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन सब उतना ही रहेगा, बस होमो जो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये वाला और ये वाला हो जाएगा होमो। अब शाई थ्री होमो है, तो शाई थ्री में ये वाला प्लस ऊपर वाला, तो ये वाला भी प्लस और दोनों नीचे वाला माइनस, तब अब इसमें क्या होगा, ये सुपरफेशियल कंडीशन में ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, अब दोनों प्लस प्लस, तो यहाँ पर सिमेट्री क्या हो जाएगी अलाउड हो जाएगी। सिमेट्री अलाउड हो गई, ज्योमेट्री अलाउड तो पहले से ही है ये वाली, तो अब इसमें क्या होगा, फोटोकेमिकली सुपराफेशियल अलाउड हो जाएगी। अब इसमें थर्मली फॉरबिडन था तो फोटोकेमिकली अलाउड, यस न्यू अलाउड। सब उल्टा हो रहा है, थर्मली फॉरबिडन था तो फोटोकेमिकली अलाउड हो रहा है। अब इसमें अंट्राफेशियल में क्या होगा, ये प्लस, ये वाला भी प्लस, अब ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, अब प्लस से प्लस फिर प्लस से माइनस में जा रहा है, अब इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये फॉरबिडन हो जाएगी, फॉरबिडन। ज्योमेट्री तो डिफिकल्ट तो है ही, तो यशनीय कंडीशन में सिमेट्री ही जब अलाउड नहीं हो रही है तो यशनीय कंडीशन में ये भी फॉरबिडन हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है 1-3 में, तो थर्मल कंडीशन में सुपराफेशियल फॉरबिडन हुई थी, तो
थर्मल कंडीशन में इंटरफेशियल अलाउड हो गई। तो अब फोटोकेमिकल की बात करें, फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्राफेशियल अलाउड, फोटोकेमिकल कंडीशन में इंट्राफेशियल फॉरबिडन। तो पहले जो अलाउड था वो फॉरबिडन, जो फॉरबिडन था वो अलाउड हो गया। अब हम ये हो गया हमारा 1-3 का, 1-3 सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, हमने दोनों कंडीशन में देख लिया, ये पहला था फिर ये वाला दूसरा। तो अब हम देखते हैं 1-5 सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होगा पहले थर्मल कंडीशन में, यहाँ पर लिखना भूल गया, थर्मल कंडीशन, ये पहली है थर्मल कंडीशन में। तो इसकी रिएक्शन इस तरह से हम दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये 1 से 5 पर शिफ्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, तो हाइड्रोजन एस प्लस के फॉर्म में निकला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, कार्बन कितना है 5, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 2, 4, 2, 3, 6, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6, और जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन भी हमारा हो जाएगा 5, वेव फंक्शन हो गया हमारा 5। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, ये 1, 2 हो जाएगा बॉन्डिंग, 3 वाला नॉन बॉन्डिंग, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ड्रॉ किया जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम को फिल किया जाए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें हो जाएगा शाई 3 वाला होमो, ये वाला है होमो। तो इसका ऑर्बिटल जो बनाएंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट बनाता हूँ मैं, इसमें 5 है तो ये पहला वाला इस पे का और ये लास्ट वाला इस पे का, मैं यही बना रहा हूँ। तो पहले वाला ये प्लस, ये माइनस, और ये शाई 3 है तो लास्ट वाला भी शाई 3, मतलब जो ऑड होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट सेम होगा, ये प्लस, ये वाला भी प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। तो अब हाइड्रोजन का शिफ्ट होने के लिए यहाँ से वही दो कंडीशन है, सुपरफेशियल और इंटरफेशियल। तो पहले हम इधर ड्रा कर दें, इधर हमारी हो जाए सुपर इंटरफेशियल, इधर है सुपरफेशियल और इधर इंटरफेशियल। तो यस प्लस यहीं पर है, इसके पास यहाँ से निकल रहा है और जाकर यहाँ पर इसे लगना है, ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, और ये हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इधर से ये हो जाएगा बॉन्डिंग और इधर से ये वाला भी हो जाएगा बॉन्डिंग। तो यहाँ से हो जाएगी सिमेट्री अलाउ, ज्योमेट्री भी अलाउड, एस मतलब सिमेट्री, जी मतलब ज्योमेट्री, दोनों अलाउड हो जाएगी यहाँ से। तब थर्मल कंडीशन में सुपरफेशियल अलाउड हो जाएगा, तो थर्मली ये अलाउड, थर्मली में अलाउड कौन है, सुपरफेशियल। अब हम ड्रॉ करें इसका इंटरफेशियल का, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो इंटरफेशियल में यहाँ पर बीच में आएगा ये वाला प्लस, ये इससे और ये इससे, तो ये प्लस से प्लस और ये प्लस से माइनस। तो यहाँ पर सिमेट्री क्या हो जाएगी, फॉरबिडन सिमेट्री हो जाएगी हमारी, फॉरबिडन सिमेट्री फॉरबिडन हो गई। और ज्योमेट्री तो डिफ़िकल्ट, इस तरह की ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये थर्मली फॉरबिडन। ये हो जाएगा हमारा इन थर्मल कंडीशन में 1-5 सिग्मोट्रॉपिक। अब हम देखते हैं 1-5 सिग्मोट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो इसको हम कर दें यहाँ पर फोटोकेमिकल, यच न्यू, ये सब सेम रहेगा, ये सेम, बस यहाँ पर होमो बदलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर आएगा, तो इसमें साई 3 होमो था, अब साई 4 होमो हो जाएगा, ये साई 4 होमो, जब साई 4 होमो, ये 4 इवन, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये वाला प्लस, ये प्लस माइनस ठीक रहेगा। तो अब इसका जब आप करोगे सुपरफेशियल में, तो ये वाला प्लस है और ये वाला है माइनस, माइनस। अब ये प्लस से माइनस, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी हमारी इस कंडीशन में, फोटोकेमिकल वाले में हो जाएगी फॉरबिडन। और इस तरह की ज्योमेट्री सुपरफेशियल वाली अलाउड होती है। तो अब सिमेट्री एक जो फॉरबिडन हो जाएगा, तब वो थर्मली यहाँ पर फोटोकेमिकली जो है फोटोकेमिकली फॉरबिडन हो जाएगी।
फोटोकेमिकल ये फॉर्बिडन हो गया। एंट्राफेशियल में क्या होगा, ये वाला प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला प्लस। अब ये प्लस से प्लस, ये भी प्लस से प्लस, तो यहाँ पर सिमेट्री क्या हो जाएगी, अलाउड। बट ज्योमेट्री तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन हम जब इसका भी सिलेक्शन रूल लिखेंगे तो उसमें इस वाले को हम अलाउड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर ही ये फोटोकेमिकली क्या हो जाएगा, अलाउड। तब इसमें क्या हो रहा है, थर्मल और फोटोकेमिकल में सब अपोजिट हो रहा है। पहले इसमें क्या था, वेव फंक्शन था, सिर्फ यहाँ से ये शाई थ्री था, यहाँ से शाई फोर बस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या था, थर्मली अलाउड था, अब फोटोकेमिकल थर्मली अलाउड, पहले थर्मली अलाउड था, अब ये फोटोकेमिकली फॉरबिडन है। पहले ये फोटोकेमिकली फॉरबिडन था, थर्मली फॉरबिडन था, अब ये फोटोकेमिकली अलाउड है। जो थर्मली अलाउड होगा वो फोटोकेमिकली फॉरबिडन, जो फोटोकेमिकली फॉरबिडन था वो थर्मली अलाउड। अब देखते हैं 1.7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर ऐसे लिखी है, ये रिएक्शन मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होने वाला है यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, जो हमें ऊपर अभी फिलिंग करनी है, 2, 2, 4, 3, 6, 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो वो 8 हैं, कार्बन जो वो 7 है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना हो जाएगा वेव फंक्शन 7। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4, शाई 5, शाई 6, शाई 7। इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर फिल कर देते हैं, 2, 2, 4, 2, 8 ये शाई 4 वाला हो जाएगा हमारा होमो। अब इसका बनाते हैं, हमें क्या बनाना है, पाई ऑर्बिटल फर्स्ट एंड लास्ट का, इसका और इसका, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होने वाला है और जाकर जुड़ने वाला है यहां पर। तब ये 4 है, पहला और लास्ट वाला डिफरेंट, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होने का कितना तरीका, 2, सुपरफेशियल एंड इंट्राफेशियल, ये हो जाएगा सुपरफेशियल और ये हो जाएगा इंट्राफेशियल। तो सुपरफेशियल में सबसे पहले हम बनाएंगे वही फर्स्ट एंड लास्ट वाला ऑर्बिटल, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। तो यहाँ पर हम प्लस दिखाएं हाइड्रोजन का, जो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो अब ये प्लस से प्लस जो होगा वो तो बॉन्डिंग है, और ये प्लस से माइनस एंटी बॉन्डिंग, तब ये प्लस से प्लस और ये प्लस से माइनस, तो यहाँ पर सिमेट्री क्या हो जाएगी, फॉरबिडन। और ज्योमेट्री इसी तरह की जो होती है वो अलाउड होती है, अलाउड। तब अगर सिमेट्री फॉरबिडन, ज्योमेट्री अलाउड, अगर एक कोई फॉरबिडन है तो फॉरबिडन वाले में क्या होगा, ये थर्मल कंडीशन में ये फॉरबिडन होगा, थर्मल ये फॉरबिडन होगा। इस केस में आपने देखा कि ये थर्मली फॉरबिडन है, तो जब आप फोटोकेमिकल कंडीशन में अभी करेंगे तो यच न्यू ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ये अलाउड आएगा, थर्मल से फोटोकेमिकल, फॉरबिडन से अलाउड, ऐसे ही होता है। ये हो गया, अब इंटरफेशियल करें हम, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बीच में यहाँ पर प्लस दिखाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इधर से ये वाला प्लस से प्लस, ये प्लस से प्लस, तो इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, अलाउड। और ज्योमेट्री इसकी तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम क्या लेते हैं, अलाउड ही, जब हम इसका सिलेक्शन रूल लिखते हैं। तब ये थर्मल में फॉरबिडन था, अब ये थर्मल में अलाउड हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री मिल रही है, ज्योमेट्री के ज्योमेट्री इसकी फॉरबिडन नहीं कह सकते, तो ये हो जाएगी हमारी थर्मली अलाउड। ये हो गया थर्मल कंडीशन का। अगर अब हमें देखना हो फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर थर्मल को करना होगा फोटोकेमिकल, हाँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पर शाई 4 होमो था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर यहाँ पर आएगा, तो होमो हो जाएगा शाई 5, शाई 5, शाई 5 मतलब ये ऑड है, आपको पता है। अब ये प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये वाला प्लस है, ये दोनों माइनस,
तो अब यहाँ पर सिमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, फॉरबिडन थी तो अलाउड हो जाएगी। इसमें क्या होगा, थर्मल कंडीशन में अब फोटोकेमिकल आ गया तो थर्मल हो जाएगा फोटोकेमिकल और ये फॉरबिडन अलाउड। अब इंटरफेशियल में देख लें, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और ये प्लस से प्लस फिर प्लस से माइनस, तो इसकी सिमेट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी फॉरबिडन। सिमेट्री फॉरबिडन, ज्योमेट्री डिफिकल्ट, तो ये फोटोकेमिकल में ये फॉरबिडन हो जाएगा, ये चिन्हू में ये हो जाएगा फॉरबिडन। ये हो गया हमारा 17 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ। अब इसका हम सिलेक्शन रूल लिखते हैं। सिलेक्शन रूल में आपको सब कुछ, जैसे कि आपने 1 1 3 1 5 1 7 देखा, अब इन सबको मर्ज करके आपको लिखना है सिलेक्शन रूल। तो 1 3 और 1 7 को क्या कहते हैं, 4n सिस्टम, और 1 5 वाले को हम कहते हैं 4n+2। तो देख लेते हैं इसका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ऐसे m प्लस एन यानी कि 4n और 4n+2 इसमें आएगा 4n+2। अब यहाँ पर लिखे हम सुपराफेशियल ये और ये इंटरफेशियल। ये 4n सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन सा आएगा, ये 1 3 और 1 7, और ये 4n+2 वाले में आएगा 1 5 वाला। ये क्यों, इसे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं। ये हो जाएगा 4n में क्या हो जाएगा, 4n में हमारा सुपराफेशियल थर्मल कंडीशन में फॉरबिडन हुआ था, थर्मल फॉरबिडन। और HNU कंडीशन में थर्मली फॉरबिडन, तो HNU अलाउड। मैंने कराया, आप उसको इसे मैच करेंगे ना तो एकदम मैच करेगा। तो अब इसमें थर्मली फॉरबिडन, फोटोकेमिकली अलाउड, तो इसमें अंडरफेशियल में क्या होगा, थर्मली अलाउड, फोटोकेमिकली फॉरबिडन। और 4n+2 वाले में क्या होगा, इसमें थर्मली फॉरबिडन था तो इसमें थर्मली अलाउड, और यहाँ पर फोटोकेमिकली फॉरबिडन। और इसमें थर्मली अलाउड था तो इसे, ये थर्मली अलाउड था तो ये हो जाएगा इंट्राफेशियल में थर्मली फॉरबिडन। और फोटोकेमिकली इसमें फॉरबिडन है तो ये हो जाएगा फोटोकेमिकली अलाउड। यही हो जाएगा हमारा 4n वाले में थर्मली फॉरबिडन, ये अलाउड, ये अलाउड, इस तरह से हो जाएगा हमारा सिलेक्शन रूल। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।